हाय फ्रेंड, कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरे चैनल है कंप्यूटर सीखो, से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने चैनल में सॉल्व करता हूँ। और इससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच हैं उससे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन को उनका रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्वेरी होती है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो आप मेरी जब क्या करें, देखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं नीचे देखिएगा रेड कलर के सब्सक्राइब्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यूज़ अपलोड करता हूँ आप तक ईजी वे में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है, मेरे एक जो है व्यूवर्स हैं इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं शफीक मदनी साहब हैं ये, इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है, इनके दो क्वेश्चन हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिएगा इनके क्वेश्चन ये दो हैं, ये दो क्वेश्चन के हैं तो मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा है कि जो है मैं MS वर्ड में उर्दू टाइप करता हूँ, अब मुझे इसको इन पेज में लाना है, यानी उसको जो है पेज पर लाना है। आई थिंक उनका यही जो है सवाल है, ठीक है, कैसे लाएं। वो दूसरा, मुझे उर्दू PDF को, यानी उर्दू के PDF को MS वर्ड में लाना है तो कैसे लाएंगे, बताए हुए तरीके से मैंने किया बट सही अंदाज में उर्दू PDF वर्ड में नहीं आया। तो इनके दो क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक तो उन्होंने पूछा कि जो है मैं MS वर्ड में भी कोई चीज़ टाइप करते हैं उर्दू में तो वो जो है उनको पेज पर कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन पर इनके रेप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। पहले के लिए ब्लॉग कौन है आप, शफीक भाई, देखिएगा इधर से, मैं पहले अपना ब्लॉगर में जाए इधर से आप, ये देखिएगा जो भी तुमने फाइल सेव की हुई है उसको MS वर्ड में सेव कर लें आप, ठीक है। सेव करने के बाद अपने ब्लॉग में जाए इधर से, जो भी तुम्हारा ब्लॉग बना हुआ, देखिएगा मैं अपना ब्लॉगर खोल देता हूँ इधर, ठीक है, तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा इनको। और आपको भी, अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई आपने MS वर्ड में कोई फाइल लिखी है, यहाँ पर जैसे कोई फाइल बनाई है आपने, फिर उसको जो है आप क्या चाहते हैं अपने जो है पेज पर लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर ब्लॉगर में जब आ गए तो देखिएगा मैं अपने जो है ब्लॉग खोल देता हूँ कंप्यूटर से, ठीक है, ये देखिएगा मैं अपने ब्लॉगर में आया और इधर देखिएगा ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है। जब आप इसे क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे, ठीक है, देख करेंगे इसको तो देखिएगा इधर ऑप्शन रहता है, जैसे आपने जो है क्या किया, वो जो फाइल मैं बता रहा हूँ जो आपने जो है फाइल की हुई उसको क्या करें आप इधर से जो है डाल सकते हैं उसको, उसको लिंक को हम आप इधर से ही जो है उसको इस पर डाल सकते हैं इधर से ही, ये देखिए इधर ऑप्शन आता है, इससे जो है क्या कर सकते हैं आप कंपोज, ये देखिए कंपोज कर सकते हैं अपने जो है कंप्यूटर में जहाँ भी तुम्हारे सेव हो, जो तुम बता रहा हूँ MS वर्ड में जो फाइल है आप तुम्हारी उर्दू में, उसको आप इधर से क्या कर सकते हो कंपोज कर सकते हो, ठीक है। और कंपोज करके जो है आप अपने इसी पेज पर ला सकते हो, यहाँ पर ये आ जाएगी और उसको जो है आप पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ये तरीका कि जो है अगर आपको कोई भी जो है अपना कुछ भी पोस्ट जो है लाना है, मतलब जो आपने MS वर्ड में लिखा है आप कंपोज कर सकते हैं इधर से, ठीक है। वो कंपोज करके जो है आप, या इधर आप इधर भी उर्दू में जो है आप टाइप कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे जो है आप टाइप कर सकते हैं, उसको ऑप्शन रहता है इधर, आप जो है उससे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं आता आपसे तो आप इधर से सिंपली कंपोज कर लेंगे इसे, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा कि जो है वो उन्होंने जो है, ये देखिएगा मैं क्वेश्चन में पढ़वा देता हूँ आपको, ये देखिएगा उन्होंने पूछा कि मुझे उर्दू PDF को MS वर्ड में लाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे उसके लिए मैंने बताया था, जैसे कि पहले बताया था आपको कि मैंने जो हम गूगल ड्राइव में जाने के बाद जो है कोई सी भी फाइल्स को PDF या PDF को MS वर्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं इधर से ही चले जाता हूँ, इसमें एप्लीकेशन में जा करके तो गूगल ड्राइव पे खोल लेता हूँ, और आप भी अगर आपके इधर से कोई गूगल ड्राइव है तो अपने गूगल ड्राइव में चले जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है इधर से, ये देखिएगा गूगल में जाएंगे, गूगल में जो है राइट, ये जो है राइट साइड पर ही देखिएगा, ये जो बिंदु बिंदु में जा रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इधर ड्राइव रहता है, ये देखिएगा ड्राइव, ये ड्राइव में जो है क्या कर सकते हैं, मैं इसको आपको जो है PDF को MS में जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो देखिएगा इधर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा। तो अब जैसे उन्होंने पूछा कि उर्दू में कैसे करें, वो तो वो तरीका वही है। तो आप जो है क्या करेंगे, आप जो है इधर से जो है पहले लैंग्वेज जो है क्या कर लेंगे, उसको जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास तो कोई उर्दू में इस टाइम नहीं है, लेकिन आप जो है सिंपली वही न्यू में जा करके और ये फाइल अपलोड कर लेंगे इधर से, ठीक है, कोई सी भी फाइल। और फाइल अपलोड करने के बाद आपकी जहाँ भी वो फाइल सेव है, आप फाइल उसको अपलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। मेरे को मैं एक फाइल जो है ले लेता हूँ उससे, माई डॉक्यूमेंट में जा करके कोई एक जो है फाइल में ले लेता हूँ, ठीक है। माई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा ये अपलोडिंग हो रही है। तो ये जो फाइल जब अपलोड हो जाएगी तो मेरे उर्दू में कोई नहीं है मेरी, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश वाली ही बता रहा हूँ, ठीक है। माई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कि ऐसा तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि उसमें नहीं आए। तो उसमें जो है देखिएगा इधर से जैसे ये फाइल अपलोड हो जाती है, ये देखिएगा अब क्या करेंगे, ये जो इसको आप जो है क्या कर देंगे, इधर से क्लोज कर देंगे। तो इसमें जाने के बाद जो है आप इधर से लैंग्वेज भी उसकी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जो है क्या करें, आप जो है अपने जो है इधर से देखिएगा लैंग्वेज का एक ऑप्शन रहता है, इधर ही जो है उससे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं उसको, इधर से ही देखिए इसमें ऑप्शन आता है। ये देखिए ये तो खैर ये तो मैंने उसकी बात हो गई। आप जो है इधर से क्या कर लें इसको, इसको जो है आप ये देखिए ये लैंग्वेज सेटिंग, ठीक है। जब चेंज लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे तो जो है सारी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखी हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या चाहिए, उर्दू चाहिए तो आप उर्दू में लिख दें, तो वो जो तुम्हारी फाइल्स होगी वो उर्दू में ही आ जाएंगी। सबसे पहले काम क्या काम करना है आपको, ये काम करना है, ठीक है। देखिएगा इधर ही से उर्दू है, मैं तो बताने के लिए बता रहा हूँ आपको उर्दू में, ये देखिए उर्दू, ये देखिएगा उर्दू आ रहा है। जब ऐसे उर्दू क्लिक करेंगे तो तब इसको चेंज करें आप, ठीक है। पहले जो है क्या करें, मैंने अभी मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। देखिएगा ये देखिएगा जैसे आपको फाइल कुछ चेंज करनी है तो ये देखिएगा इधर से ऑप्शन आ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है उर्दू। तो आप इसे क्या कर ले, पहले इधर सेटिंग में जाने के बाद देखिएगा सेटिंग में देखिए लैंग्वेज चेंज, तो ये चेंज कर ले उर्दू में। फिर उस फाइल को जो है आप जैसे मैंने बताया प्रोसेस वैसे करें आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है आपकी वो फाइल जो है उर्दू में जो है बिल्कुल MS वर्ड जो आप बता रहे हैं आपके आपको जो है उर्दू PDF को MS वर्ड में लाना, तो वही जो तरीका है उस तरीके से करें। लेकिन सबसे पहले मैंने सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और जो मेरे व्यूवर्स हैं ये जो है शफीक मदनी साहब, इनको क्वेश्चन का रिप्लाई भी मिल गया होगा। और आपके दिल में भी इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो बेझिझक आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप अगर हर कोई से वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा रेड कलर के सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक ईजी वे में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होने का। आप ऐसे करेंगे दोस्तों जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। तो इन शाला मैं और वीडियो आपके सामने रखूँगा, जैसे रखूँगा मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।